फ्रेंड्स, सुलु किचन में आप सबका स्वागत है। गणेश चतुर्थी पर हम भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए मोदक का भोग लगाते हैं। आज हम यूनिक स्टाइल के मोदक बनाएंगे। जो मोदक है बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। चलिए बनाते हैं जैम और जेली के मोदक, टूटी फूटी मोदक। गेट स्टार्ट। लिए हमें चाहिए 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1/3 कप मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसी हुई शक्कर, 1 टेबल स्पून किसान जैम, 10 जेली चॉकलेट। कौन से भी फ्लेवर के चॉकलेट ले सकते हैं। इन्हें फेलेरो कंपनी के स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चॉकलेट यूज़ किए हैं। ग्रीस करने के लिए चाहिए 1 स्पून घी। चलिए अब बनाते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करेंगे और धीमी आंच पर रखकर में 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालकर 1 मिनट के लिए भुनेंगे। कच्चापन जाने के लिए भुनना ज़रूरी है। मिनट भुनने के बाद 1/3 कप मिल्क पाउडर, पाउडर आप कौन से भी कंपनी का ले सकते हैं। में 2 मिनट तक धीमी आंच पर चलाना है। कलर हमें चेंज नहीं करना है। 2 मिनट हो गए हैं, हम गैस को बंद करते हैं। ये मिश्रण को हम प्लेट में निकालेंगे, उसे 10 मिनट के लिए ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। हमारा मिश्रण ठंडा हो चुका है। इसमें हम 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी मिलाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसमें 2 टेबलस्पून किसान जैम डालकर मिक्स करेंगे। जैम कौन से भी कंपनी का ले सकते हैं। जैम थोड़ा थोड़ा डालकर हमें मिक्स कर लेना है। ये अच्छा कलर आने के लिए 2 ड्रॉप्स पिंक कलर डालें। डालना चाहते हैं तो मत डालिए। आपको कलर बीट का जूस निकालकर उसकी 5-6 बूंदें उसमें डाल सकते हैं। हमें ये डो ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है। मोदक मोल्ड को क्रिस मिश्रण के छोटे बॉल्स बनाकर मोल्ड में डालकर उसे अच्छे से प्रेस करेंगे और फिल करेंगे। सेंटर में थोड़ा होल और उसमें जेली चॉकलेट डालकर हमें मिश्रण से उसको अच्छे से कवर करना है। मोदक को हल्के हाथ से डीमोल्ड कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, कितने प्यारे हमारे सुंदर मोदक बने हैं। ये सुंदर तो है ही और टेस्टी भी है, जो और बड़ों को बहुत पसंद आएंगे। आप ये भी ज़रूर ट्राई करें। बनाते हैं टूटी फूटी मोदक। के लिए हमें चाहिए 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1/3 कप मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून शुगर, 1/4 कप टूटी फूटी, 1 टेबल स्पून नॉर्मल दूध, 1 टेबल स्पून किसान जाम, ग्रीस करने के लिए 1/2 स्पून घी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम टूटी फूटी मोदक बनाते हैं। हम जैम जेली की मोदक डेसिकेटेड कोकोनट और मिल्क पाउडर को ड्राई रोस्ट करेंगे 3 या 4 मिनट के लिए। उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दें। चीनी मिलाकर मिक्स करना है। मैंने उसमें आधा मिश्रण निकाल कर रखा था, वही मैं यूज़ कर रही हूँ।
उसमें थोड़ी टूटी फूटी डालकर ज़रूरत के अनुसार दूध डालकर डो बनाना है। यह डो ज़्यादा पतला नहीं होना। स्टफिंग के लिए हम साइड में टूटी फूटी लेंगे। टेबल स्पून किसान जाम डालकर मिक्स करेंगे। हो गई हमारी स्टफिंग। इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मोदक को मिक्स कर लेंगे। इसमें मिश्रण के छोटे छोटे बॉल करेंगे। अच्छे से प्रेस करके हमें इसे फिल करना है। बीच में टूटी फूटी स्टफिंग डालकर इसे कवर करना। मोदक मोल्ड को हल्के हाथ से डीमोल्ड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सुंदर हमारे ये मोदक बने हैं। इस मोदक को चेरी या ड्राई फ्रूट से गार्निश। पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करना कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।